मौसी गाओ तुम। बुआ तुम कहने गा रही हो? अच्छा हम गा रहे हैं। ए खंबे गड़ने लगे, तार खींचने लगे, ए खंबे गड़ने लगे, तार खींचने लगे, अ बिजली वाला ना आए तो मैं क्या करूं। गाबुआ बिजली वाला है मौसी, आए तो मैं क्या करूं। बस बस हो गया तुम्हारा, औरतों वाले गाने गाते रहो तुम। एक काम है, ये मेरे 10 लाख के गहने हैं, मेरे मेरे मायके वालों ने दिए ये 10 लाख के गहने, तुम्हारे घर वालों ने तो फूटी कोड़े भी नहीं दी, इनको जाकर पॉलिश करा कर लेकर आओ। त्योहार सर पर खड़ा हुआ है। एक तो भैया त्योहार खड़ा बहुत रहता है, गणपति आके गई, डांडी आके, डांडी आके गया, दिवाली आ गई, फिर ईद आ गई, रमजान आ गई, ये त्योहार से कभी बैठने कहो, जब देखो तब खड़ा, हमारी खोपड़ी पे खड़ा रहता है, हर आदमी का दिवाला निकल जाता, नाम है दिवाली। अब तुम हमेशा घोड़े पे काहे चढ़ी रहती हो, हमेशा त्रिपुर त्रिपुर किया करती है। नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। अब ये भी हमें चाची कहेंगे? क्यों, क्या बात हो गई? गजोधरा का भाई जगोधर दाढ़ी वाला। अब तू तो ससुरा हमें चाचा मत बोला करा। क्या बात कर रहे चाचा, अब दुनिया भर के चाचा है, इसलिए हमरे भी चाचा आप ही। अच्छा चलो खुश रहो। क्या बात है, सुना आजकल बहुत कमा रहा है, नई नई खोजे, नई नई स्कीम है। हम हों का कभी बताओ ऐसी स्कीम, हम ससुराल से मंगा मंगा के हमारा घर में कुत्ता की तरह हैसियत हो गई। अरे चाचा वही तो मैं लेके आया हूँ, एक ऐसी खोज की है मैंने कि रातों रात आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। कोई बताए तो नहीं ना? हमें बताना। हाँ बिल्कुल, बैठो बैठो, बैठो। हम देखो क्या क्या चीज लेके आए, साथ में देखो लैपटॉप वगैरह सब तैयार है हमारा। बहुत बढ़िया, हमारा यही बढ़िया काम है ये। हाँ। सब कहाँ से सीख लिया है सब? बस डीएनए है ऊपर वाले की, पढ़ा लिखा नहीं फिर भी सब कर लेता है। चाचा अब हम जो खोज किया हो ना, हाँ। वो बहुत ही कमाल का खोज है, ऐसा खोज कि रातों रात आप तो लखपति करोड़पति बन ही जाओगे। बस ये खाली हमको बताना, और कोई नहीं बताना ना। हमें करोड़पति बनना है, दिखा दिखा। चाचा मैं बनाया हूँ फ्यूचर के पटाखे। फ्यूचर के पटाखे तो क्या मतलब, वो अलग टाइप के पटाखे होंगे? नहीं होंगे तो वही दिवाली के पटाखे। हाँ। लेकिन उनका ढंग थोड़ा दूसरा है, फ्यूचर भविष्य के पटाखे। अच्छा कैसे, हमें दिखाओ। अब देखिए चाचा हम लैपटॉप में सब कुछ लाया हूँ। हाँ। ए देखिए इस, अच्छा। हाँ ये है फ्यूचर के पटाखे, पूरा मतलब वैसा स्केच किया है। बिल्कुल ये स्केच अभी सिर्फ हम स्केच लेवल पे किया हूँ, जैसे ही आपके मंजूरी मिलेगी काम शुरू। अरे हमरे पूरी परमिशन है। हाँ। शुरू करो, हमरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। दिखाओ दिखाओ, स्टार्ट करो स्टार्ट। हाँ। ये देखिए, ये सबसे पहले देखिए ये रिमोट से चलने वाली चक्कर गिन्नी, इलेक्ट्रॉनिक चक्कर गिन्नी। अच्छा वो, हाँ वो देखो लड़कवा बना है रिमोट पकड़े। हाँ। तो रिमोट पकड़े इसे दबाता रहेगा तब तक खर 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 चलता रहेगा। और का जितनी देर तक आप दबा के रखेंगे रिमोट का बटन। हाँ। चक्कर गिन्नी फुर्र फुर्र करके जमीन पे नाचेगी रंग बिरंगी। कहा दिमाग पाया है तू ससुरा, जब छुटकाऊ रहा तो पगल रहा। अरे इतना अच्छा आइडिया सोचा है, ये तो वैज्ञानिक लोग भी नहीं सोचा है। सुनो ये आइडिया कोई को दिया तो नहीं? अरे नहीं चाचा, बस इसके ऊपर हमारा अधिकार है। बिल्कुल चाचा ये सिर्फ आप ही के लिए एक्सक्लूसिव। रहो खुश रहो खुश रहो, क्या क्या आइडिया लाए हो। और दिखाओ और दिखाओ। हाँ, आगे ये है चाचा चेतावनी बम। चेतावनी बम ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, बम बम खुद ऐसे चेतावनी दे रहा है कि हमरे से दूर भागो दूर भागो, हम फटने वाला हूँ हम फटने वाला हूँ। बिल्कुल, अरे ये तो बहुत चलेगा, इससे तो बहुत जान माल बच जाएगी लोगों के। बहुत बहुत सुरक्षित बम है। अरे ये तो बहुत बिकेगा। बिल्कुल, इसमें बहुत पैसा आएगा। बिल्कुल, आगे बताओ आगे बताओ। चाचा एक खास बात, ये सब आप ही के लिए बन रहे हैं। अरे बस बहुत बढ़िया, और क्या है और बताओ। आपके लिए एक से एक नायाब चीज लाया हूँ, ये है सॉरी बम। सॉरी बम का है चाचा? ये सॉरी बम है कि बहुत सारे पटाखे रखे होते हैं ना। हाँ। आप उसको तीली दिखाते हैं तो आगे से फूटता ही नहीं, चुपचाप खड़े रहते हैं। अरे उनसे तो बहुत बेइज्जती होता है, पटाखा ऐसे पड़ा रहेगा एकदम फूस जैसा। वहां आग दिखाओ दिलाओ तो थोड़ा तो ऐसे करेगा फिर। लेकिन चाचा ये सॉरी बम है ना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता। हाँ। ये पहले ही से हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, भैया सॉरी हम नहीं फूटूंगा, आप हम पे तिलिया वेस्ट मत करिए। बहुत दिमागदार हो गया भाई, तू छुटकाऊ रहा तो एकदम पगल रहा। अरे ग्रेट,
अरे ये तो बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। हाँ इस सब पूरे का अधिकार हमें देना, हमें बिल्कुल चाचा। ये सारी इन्वेंशन आपके लिए किया चाचा। तो और कोई भी है? अब आप देखिए गैस सिलेंडर अनार। अच्छा हाँ, ये देखिए तो। हाँ बताओ। इसको गैस का जो बर्नर होता है ना, हाँ। उसके ऊपर एक ये फिक्स कर दिया आपने, अनार का टोटी। अच्छा, ऐसे फिक्स किया और फिर नीचे से ये खोली गैस की टोटी। हाँ। और फुर्र से घंटों आप मजा लीजिए। भाई भाई अनार का मजा आप घंटों लूट सकते हैं। अच्छा? जितनी देर तक गैस उतनी देर तक फुर्र से अनार। अच्छा अच्छा, ये मतलब तब तक चलेगा जब तक गैस भरी है। अरे वाह, अब बस इतना है? नहीं चाचा, अभी और है। ये देखिए, ये है शांति बम। शांति बम का ऐसे का? शांति बम मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं ना, हाँ। वो धमाके बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं, नहीं। ना? तो उनके लिए मैंने शांति बम बनाया। इसमें से दौड़ के आवाज के बजाय, हाँ। आवाज आएगी ओम शांति शांति शांति। अरे तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि दीपावली में बुजुर्ग लोग भी दिवाली का आनंद उठा पाए। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये बताओ बेटा, अपने घर की बात है, तुम तो भतीजे हमारे, ये बताओ इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? चाचा वैसे तो खर्चा इसमें आना था करीब 15-20 लाख, हाँ हा। लेकिन आप हमारे चाचा हैं, हाँ हा। आपके लिए ये सारा काम सिर्फ 10 ही लाख में हम कर दूंगा। बस बस, जीते रहो बेटा, खुश रहो। तो डील पक्की? बिल्कुल चाचा, डील पक्की। हाँ, पैसा पक्की। और ये लो 10 लाख रुपए के गहने। ये चाची के हैं? सब चीज बताना जरूरी है? लैपटॉप दे, जिम आइडिया है। और ये हमारे जो भविष्य के पटाखे हैं, हाँ हाँ। फ्यूचर के पटाखे, ये आपके हुए। फ्यूचर के बम, हाँ। हमारे हुए। इस बार दीपावली में भविष्य के पटाखे बनाऊंगा। इतना इनकम होगा, इतना कमाऊंगा कि कहाँ रखूंगा इतना पैसा। अच्छा बेब को बनाया भविष्य के पटाखे। कुछ बोला क्या? नहीं तो हमें ऐसा लगा।